नमस्कार घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए नजर सबसे पहले एजेंडे पर। बिहार में नीतीश की नई सरकार ने संभाला कामकाज। पहले दिन सीएम ने दिखाए तल्ख तेवर, लेकिन बड़ा सवाल, क्या लालू के साथ के बावजूद नीतीश कर पाएंगे अपने स्टाइल से काम। और बिहार के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस का ऐलान, यूपी में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। लेकिन बड़ा सवाल, एकला चलो की राजनीति या गठबंधन के लिए दबाव बनाने की रणनीति। चले दो खास मुद्दे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जरा बिहार की। बिहार में आपको बता दें, कल नीतीश कुमार ने शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से चुनाव के बाद से कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। पुष्पेन कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेन जी आपसे जानना चाहेंगे, ये अब बिहार में नई सरकार बन गई है और दो विपरीत धाराओं के लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, बड़ा गठबंधन में बड़ा बहुमत मिला है। अब लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, किस तरीके से आगे कामकाज होगा। आज जो है नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तमाम नेताओं को एक तरीके से कड़ी हिदायत दी है और तमाम अधिकारियों को, माफ कीजिएगा, और ये कहा है कि इस तरीके से काम चलेगा नहीं। कैसे देख रहे हैं आप, अपने तरीके से काम कर पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ये इस गठबंधन के ऊपर इस वक्त सवाल उठाना, ये एक बड़ा राजनीति से प्रेरित लगता है मुझे। जब दो विपरीत सोच के लोगों ने जब ये गठबंधन बनाया था, उस वक्त ये सवाल उठाया गया। फिर पहला मौका आया कि टिकट बंटवारे में झगड़ा हो जाएगा, साहब इसमें नहीं चलने देंगे लालू। टिकट बंटवारा ठीक ठाक हुआ। फिर चुनाव प्रचार में कहा गया कि लालू का पोस्टर पे तस्वीर नहीं है और कहीं उनको ले जाया नहीं जा रहा साथ, तब भी सवाल उठा। फिर राहुल गांधी के ऊपर मामला आया कि साहब कांग्रेस को जो है वो मुलायम सिंह से बगैर पूछे दे दिया, उसके बाद भी ये मामला उठा। और अब चुनाव भी जीत लिया है, चुनाव जीतने के बाद रिजल्ट भी आ गए हैं और शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है। और शपथ ग्रहण समारोह जब नहीं हुआ था, तब ये सवाल उठाया जा रहा था कि लालू प्रसाद अपने बेटों को जो है वो कैबिनेट में लाएंगे या नहीं लाएंगे, और नीतीश कुमार नहीं आने देंगे और इस पे तलखी पैदा होगी। वो स्टेज भी निकल गई है। अब सरकार बन गई, गठबंधन हो गया, उसके बाद विभाजन भी हो गया मंत्रालयों का, और आज पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई। तो अब ये सवाल उठाना कि दो विपरीत सोच के लोग, विचारधारा के लोग, ये सरकार चला पाएंगे नहीं, मैं समझता हूं ये बेमानी हो चुका फौरी तौर पर। हाँ, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो विचारधाराओं का नहीं है। अब बात यह है कि इसमें कुछ बिल्कुल नए लोग हैं, कुछ इतने ज्यादा अनुभवी लोग हैं जिनको उनकी हैसियत के हिसाब से जगह नहीं मिली है। और अभी 35 मिनिस्टर्स में से कुल 28 लोग बने हैं। और मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले के आपके डिस्कशन में भी कहा था कि जो 15% की जो एक तरीके से लिमिटेशन है संवैधानिक, उसके हिसाब से 35 ही मंत्री बन सकते हैं। और इन 35 मंत्रियों के अंदर से बिहार के सामने दो बड़े चैलेंज थे कि एक तो ये तीनों गठबंधन में से ज्यादातर सेकुलर फ्रंट के लोग हैं ज्यादातर, तो सबके पास अपना एक मुस्लिम कार्ड भी है। कांग्रेस के पास भी मुसलमान जीत के आए हैं, आरजेडी के पास भी हैं और जेडीयू के पास भी हैं, और तीनों की कोशिश है कि उनका वो जो वोट बैंक है और जो चेहरा है वो बरकरार रहे। उस सबके बावजूद भी आप चाहे एक भूमिहार की बात कहें, दो राजपूत की बात कहें, तीन कुशवाहा की बात कहें, चार मुसलमानों की बात कहें, सात यादव की बात कहें, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो भी बिहार की जातिगत राजनीति है और जो लोग चुन के आए, इससे इसमें ज्यादा कोई बहुत बड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता था। मैं समझता हूं कि जो हालात हैं और जिस तरीके से लोग जीत के आए, उसमें एक ब्राह्मण भी मौजूद है। ब्राह्मण की तो स्थिति यह है कि वो जीते हुए भले ही हो, लेकिन उनको मंत्री किसी दल ने नहीं बनाया, तो एक एमएलसी बने हैं, वो किसी दल के होंगे। तो आज ये कहना कि ये सरकार नहीं चलेगी, मैं समझता हूं ये जल्दबाजी है। ये सरकार चलेगी, ये सरकार गिरेगी तो विपक्ष की वजह से नहीं गिरेगी, ये अपने कंट्रडिक्शंस की वजह से गिरेगी। उसमें सत्ता में किसका खेल होगा, किसके माफियाओं को छोड़ा गया, किसको पकड़ा गया, किसको नहीं पकड़ा गया, किसके थानादार लगाए गए, ये तमाम सारी चीजें हर उसमें आती है। हम यूपी में भी देख रहे हैं जहां एक पार्टी की सरकार है, जहां 225 एमएलए, उसके बाद भी वहां पर रोज ये चलता है। तो इस सरकार के गिरने,
इस सरकार में कुछ उलझन पैदा होने की मुझे अभी कोई गुंजाइश नहीं लगती। एक लंबा समय है सरकार के ऊपर और इन दलों के ऊपर पूरे देश की निगाहें, और पूरे देश के लोगों ने यह माना कि एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था जो सफल हुआ है। अगर इसमें कुछ भी होगा तो पूरे देश में नेगेटिव मैसेज जाएगा। यह बात अलग है कि साल दो साल के बाद बहुत सारी बीमारियां हर जगह आती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मरकज के अंदर है, उसके बावजूद भी कि एक पार्टी है, तब भी हम रोज कोई ना कोई मामला सुनते हैं। तो अभी यह सरकार चलेगी, ठीक ठाक चलेगी, और मैं समझता हूं कि अगर कोई कमियां भी होंगी तो वो अभी कारपेट के अंदर ही रहेंगी शकील साहब आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग जो बागी लोग हैं वो एक समय के बाद थोड़े तल्ख तेवर दिखाएंगे। अब जैसे कि वित्त मंत्रालय जो मिला है अब्दुल बारी सिद्दीकी को और वो चौथे नंबर पर उनको शपथ दिलाई गई, तेजस्वी जो है एक तरीके से उनके अब सीन राजनीति में तो वो सीनियर हैं लेकिन अब वो उनके सीनियर बन गए हैं, तो ये चीज़ें आगे चल करके क्या खटकेंगी? कुछ विद्रोह लग रहा है या आपको लगता है नहीं ये चीज़ें स्मूथ गोइंग है? देखिए पुष्पेन जी ने अभी बहुत विस्तार से और डिटेल और सत्य बात सब कह दी है। जो अभी अब उसमें ये डिबेट का इशू तो ज़रूर हो सकता है कि हम लोग डिबेट करें, वरना टीवी में और क्या करेंगे? न्यूज़ ही एंगल के बारे में कहा जाता है, निगेटिव इज ए न्यूज़, पॉजिटिव तो न्यूज़ होती नहीं है। लेकिन देखिए जब जहाँ भी परिवर्तन आता है तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं जो आप बता रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए बनी या किसी के लिए बनी। जब पार्टी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है, जब पार्टी कोई भी पार्टी हो, अब सब पार्टी को आप देख लीजिए, बोलना जरूरी नहीं है, तो वहां जब परिवर्तन आता है, जब शिफ्टिंग होती है पावर, तो उस पार्टी के बड़े बड़े नेता कहां बह जाते हैं पता नहीं चलता है। खुद ये जो लालू प्रसाद का जब उदय हुआ था तो उस पार्टी में लालू प्रसाद से कितने सीनियर बड़े बड़े लोग थे जिनका नामोनिशान मिट गया, कहीं नहीं रहे आज। तो आज अगर लालू प्रसाद उस पार्टी, चूंकि कई बार ये सोशलिस्ट बैकग्राउंड वाले लोग बटते हैं, बिखरते हैं, अलग होते हैं, इंडिविजुअल नाम पर अब आ गए, पहले एक पार्टी थी जनता पार्टी, तो अब लालू जी की ही वो पार्टी है, जिनको अलग होना था अलग हो गए, जिनके नाम पर जो पार्टी बननी थी बन गई। तो वो अगर सत्ता का परिवर्तन किसी खास विशेष व्यक्ति को ट्रांसफर करेंगे, चूंकि अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वो केंद्र में मंत्री नहीं बन सकते हैं, और उनकी इच्छा नहीं है कि वो किसी अन्य लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार के लोगों को ही रखना चाहते हैं, तो जिनको रिएक्शन करना होगा संघर्ष करेंगे, निकल जाएंगे, वरना पार्टी तो उसी लाइन पर काम करेगी सब जगह। वो अखिलेश यादव कितने बड़े सीनियर थे, वहां स्थापित चीफ मिनिस्टर हैं कि नहीं है आज? यहाँ तो नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में सरकार है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बहुत नहीं है। आज तक तो हम आजादी के बाद ये सुनते रहे हैं कि फाइनेंस इज ए सेकंड मैन होता है, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को फाइनेंस देके एक तरह से ये उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई। अब ओत क्योंकि सत्ता का एक केंद्र बनाना है, बेटे को अपना स्थापित करना है, तो उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। चुक तो नहीं हुई तेजस्वी को बनाकर, आपको लगता नहीं, है नहीं, नहीं वो शिफ्ट करना है। और ये चुनाव के पहले भी मैं आपको बताऊं, जब लालू प्रसाद यादव ने सपोर्ट किया था नीतीश कुमार जी को, जब जीतन राम मांझी की को हटाया गया था, तो उस टाइम में भी ये सवाल खड़ा था, और उस वक्त दोनों में सहमति थी तेजस्वी को बनाने के लिए। लेकिन उस वक्त लालू यादव ने अकलमंदी का काम यह किया था कि चुनाव के पहले कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए, अवॉइड करने के लिए सरकार में शामिल ही नहीं उनकी पार्टी हुई थी। लेकिन यह सवाल उस वक्त भी था और उस वक्त भी एक्सेप्टेबल था, चूंकि कोलेशन का सबसे बड़ा एक फंडा है जी। सबसे बड़ा फंडा यह है कि हम दो पार्टियां एक हैं, अपनी पार्टी का डिसीजन वही पार्टी करेगी, उसको दूसरे पार्टी को एतराज करने का कोई राइट नहीं है। इसी तरह से नीतीश कुमार जदयू का फैसला वो करेंगे, लालू यादव नहीं करेंगे, इसलिए आरजेडी का फैसला लालू यादव करेंगे और कांग्रेस का फैसला कांग्रेस हाईकमांड करेगी, उसमें कोई मसला नहीं है। और अगर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ट्रेडिशन बीजेपी को देके कर रहे थे तो वही परिस्थिति वही फोटो है, इसलिए हम समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू जो होगा जिसकी तरफ पुष्पेन जी ने इशारा किया है वही एक सब्जेक्ट है इशू का, कि नीतीश कुमार की इमेज क्या है, नीतीश कुमार की जो इमेज है
वहां लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, ये इमेज है लालू प्रसाद की, इमेज अभी है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके टाइम में गिरा। लालू प्रसाद बार बार कह रहे हैं कि नीतीश आप काम कीजिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर ये दोनों मिलके ये कर देंगे तो बिहार को एक नया इतिहास हो जाएगा नेहा बिहार के लिए। अगर लालू यादव के कहने पर नीतीश कुमार अगर हार्ड लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे तो लॉ ही ऑर्डर से वहां डेवलपमेंट भी होता है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से डेवलपमेंट बिहार का रुक गया था। तो फटाफट दोनों को हम समझते हैं उस पर लौटना पड़ेगा। और लालू यादव की कई स्पीच हम टीवी पर देखा है जो कभी कभी आ रही थी, उसमें उन्होंने कहा अपने लोगों को जब जीत के बाद भी कि भाई अब उसको कंट्रोल करना है लॉ एंड ऑर्डर को, बदमाशी मत करो तुम लोग, ये नहीं करो वो नहीं करो। इसके मतलब उनके ध्यान में भी साफ सुथरी है बात कि ये सक्सेस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है और नीतीश कुमार ही करेंगे। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जल्द लौटते हैं और ब्रेक के बाद आपको बता देंगे हमारे साथ एक और बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं बिहार के अंदर जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं और खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर के कैबिनेट की बैठक भी आज हुई और कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें कि फैसला लिया गया 30 नवंबर से जो है शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा, तब स्पीकर का चुनाव होना है, ये तमाम फैसले जो है उस दौरान लिए जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से आनंद साहू जी हैं। आनंद साहू जी, अब आप विपक्ष में हैं, कैसे देख रहे हैं आप बिहार को और बिहार में जो नए आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं? आज हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहला दिन था और उसके बावजूद पहले दिन से ही काम पर लग गए और आते ही उन्होंने तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई, तो ये जो आप आरोप बार बार लगा रहे थे जंगल राज और तमाम चीज़ें, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है एक्शन में, दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए विपुल जी, अभी जस्ट सरकार बनी है और सबसे अहम बात है कि आज जनता जनार्दन ने जो संख्या बल दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, सारे जाति और धर्म और सभी का बैलेंस करने का नीतीश कुमार जी ने कोशिश भी किया है जितना हो सकता है। और मुझे लगता है अभी से ये कहना कि किस प्रकार का होगा क्या होगा ये बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार की शंका लोग जता रहे थे कि माननीय लालू यादव जी अपने सुपुत्रों को किस प्रकार से प्रमोट करेंगे और उनके परिवार, क्योंकि परिवारवाद है वहाँ और यहाँ एक दूसरा समाजवाद है, यानी कहीं ना कहीं ये विषय आगे चल के किस करवट उठ बैठेगी वो बहुत अहम रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनको बहुमत दिया है जी, अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी अगर ये लगने लगेगा कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा है और विकास की जो गति है वो रुकने लगा है, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी का हम लोगों के साथ लंबा अनुभव रहा है जी। कभी भी हम लोग जो है मिल के कोई अच्छी बात बताते थे तो उसको स्वीकार करते थे और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती थी तो सब मिल करके उसको कैसे ठीक करा जाए उसके ऊपर बहुत बहुत ही ज्यादा वो उसको कॉन्सेंट्रेट करते थे। अब आज देखिए पहली बैठक में उन्होंने इस बात को थोड़ा उठाया, इसके लिए भी हम बधाई देते हैं जी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो योजनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जो बजट दिया है, अब नीतीश कुमार जी सरकार में आ गए हैं, पहले नीतीश जी ने बहुत सारी बातें कही है, मुख्यमंत्री थे तब भी आज भी हैं कि भाई ये कुछ पुराने स्कीम का नयीकरण करके उसको दे दिया गया है। चलिए वो तो चुनाव, लेकिन आज ये है हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार की विकास हो, वहां के जनता खुशहाल रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते रहे शुरुआत से भी कि हम विकास की धारा जो है यहाँ बहाना चाहते हैं, बिहार के लोग जब विकसित नहीं होंगे तो देश विकसित नहीं होगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी अगर इस विचारधारा को लेकर अगर आगे चलेंगे जी, कहीं अगर उनका आज ही से नजर बैठ गया कि भाई फिर पिछले बार जैसे उन्होंने
प्रधानमंत्री बनने का उनको बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी और 17 साल का गठबंधन तोड़ दिया, तो अब ये 17 महीना भी चलेगा कि नहीं ये गठबंधन, ये भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो। चलिए ठीक है, तो ये कवायद की मतलब शुरू हो गई है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बिहार के लोगों ने तो दे दिया वोट बहुत, लेकिन बिहार के बच्चे जो है उनका भविष्य क्या होगा? लालू यादव के बच्चों का तो भविष्य अच्छा हो गया। ठीक है चलिए, तो आज ये समय जो है जी वो बहुत अहम होगा कि आने वाला समय, चलिए अभी तो आज पहला क्या क्या होने वाला है वो देखना होगा। रामविलास जी के बच्चे का भी भविष्य बड़ा अच्छा हुआ था, तो पहला दिन है और कम से कम जो है आगाज अच्छा हुआ है। अब मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं और ये जानना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव की भूमिका सरकार में आप क्या देख रहे हैं? आज पहला दिन था, उन्होंने बाकायदा आज कैबिनेट बैठक से पहले कुछ ट्वीट भी किए, 3-4 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ब्रांड बिहार सो दैट नीतीश कुमार कैन बी प्राउड ऑफ मी एज हिज डिप्यूटी। उन्होंने ये भी कहा कि नो वन शुड ट्राई जजिंग ए बुक बाय इट्स कवर, पोटेंशियल लाइक स्वीट नेक्टर एंड बिटर मेडिसिन टेक्स टाइम टू शो इट्स रियल बेनिफिट। उन्होंने कहा वो पूरा प्रयास करेंगे इस तरह का बिहार बनाने का जिस पर कि गर्व हो नीतीश कुमार को, वो एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे कि उन्होंने एक ऐसा उप मुख्यमंत्री चुना है। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो समय लगता है लेकिन वो अपना असर काफ़ी बेहतर दिखाती हैं और किसी भी किताब को उसके जिल्द के ज़रिए जो है वो जज नहीं करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम एक कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसका कोई बड़ा संविधान में कोई अर्थ हो, और हमारे देश में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। नेहरू जी के ज़माने सरदार पटेल बने और चंद्रशेखर के ज़माने देवीलाल बने और बीजेपी के ज़माने आडवाणी जी बने। तो डिप्टी सीएम एक तरीके से साइकोलॉजिकल मैसेज है कि लालू अपने पुत्रों को उस राजनीति में एमएलए और मंत्री नहीं बनाना चाहते, एक डिप्टी सीएम की पोजीशन में है और आने वाले समय में अगर जब भी कभी ये गठबंधन से अलग हुए या 2020 में जब ये नया चुनाव होगा तो उस वक्त वो एक अपने आप में एक नेचुरल कैंडिडेट कहलाएंगे, एक वजह ये हो सकती है। जहां तक उनके ट्वीट की बात है मुझे ये अच्छा इसलिए लग रहा है कि देखिए चुनाव हो गया, आप कौन कितना पढ़ा लिखा था कौन कितना नहीं पढ़ा लिखा था और उसकी क्वालिफिकेशन से क्या है, इस देश में बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग मंत्री बने हैं, क्या क्या उन्होंने कहा, जितना जो क्वालिफाइड होता है उतनी ही बारीकी से वो भ्रष्टाचारों में लिप्त होता है, उतनी ही बारीकी के काम वो ऐसे करता है जो लोगों को पता नहीं चलते। तो मुझे लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा होता है और जो स्टेट बात करता है कम से कम वो जो बात उसके अंदर होती है वो बाहर भी होती है। तो मैं उन्होंने पद का शपथ ले ली है, अब इस पे बात करना कि लालू के बेटे जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिहार का भविष्य क्या होगा, बिहार के तमाम युवाओं को क्या होगा, ये मैं मानता नहीं हूं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। हां जो बात उन्होंने कही है और शायद वो इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि तमाम सारे लोगों ने इस पूरे जीत के बाद जिस तरीके से उनके दोनों बेटों के ऊपर अटैक किया, मीडिया ने भी किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया और वो करना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब उनके सामने जो बड़ी चुनौती है, अब भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं है, अब वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं है, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी की चुनौती उनकी अपने आप से है और अपने पिता से है, अपने घर से है, अपने परिवार से है कि कहीं इस पूरे रौ में एक युवा है 26 साल के हैं, तेज तर्रार होते हैं, खून गर्म होता है, कहीं किसी वक्त उनका पैर न फिसले। इस सत्ता की जो बड़ी पोजीशन पे वो बैठे हैं, 3-3 मंत्रालय उनके पास हैं, उनका भाई भी वहां एक मंत्री है, और इस सब के बीच में कहीं जबान ना फिसल जाए, कहीं एरोगेंस ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना कह बैठे जिसकी वजह से जो वो कह रहे हैं वो उसको साबित करने में उन्हें परेशानी हो। जितने उन्होंने ट्वीट किए हैं ये शेक्सपियर के बाद किसी अच्छे राइटर वाले ट्वीट है, ये कोई आम ट्वीट नहीं है जो लोग आपस में अक्सर अंग्रेजी में करते हैं कि किताब का जो 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 उसका टाइटल होता है उससे ज्यादा किताब में क्या है ये बाद में पता चलता है जब आप किताब खोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भले ही मेरे नाम के आगे लिखा हो कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, भले ही मेरे नाम के आगे लिखा हो कि मैं आईपीएल में सिर्फ पानी पिलाने का 12th में खिलाड़ी था, लेकिन जब आप किस किताब को खोलेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो उनको साबित करना है, उन पर कोई आरोप नहीं है, अब उनको अपनी इनिंग शुरू करनी है। और लालू प्रसाद यादव जो उनके पिताजी की वजह से इस पूरे प्रदेश में उनके परिवार की छवि, उनकी माता की वजह से जो छवि बनी, जो कुछ हुआ उसको भी मिटाना है और एक नए मॉडर्न यंग
डायनामिक लीडर की तरह स्थापित भी करना है। शकील साहब कर पाएंगे? तेजस्वी बड़ी जिम्मेदारी है, क्रिकेट में उतने चले नहीं, उस तरीके से सफलता नहीं मिली, राजनीति में पहली गेंद पर ही छक्का लगा है, न सिर्फ विधायक बने बल्कि पहली बार में ही उप मुख्यमंत्री, बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या नीतीश कुमार जैसे बरगद के नीचे, कहा जाता है कि बरगद के नीचे छोटे पौधे जो है वो पनप नहीं पाते हैं, पनप पाएंगे तेजस्वी? क्या वाकई में एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आ पाएंगे? देखिए, भारत के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए। हम आज पहले ही एक भारत का एक नौजवान जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करें, उस पर भरोसा करें। अब देखिए, वो बगल का स्टेट है उत्तर प्रदेश, अब चले आइए। आज भी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, यंग चीफ मिनिस्टर रख, कहीं निगेटिव आती है उसकी तो फटाक से लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह की वजह से है, और पॉजिटिव है तो उसकी वजह से। आखिर उस नौजवान के ऊपर उत्तर प्रदेश में भी भरोसा है कि इतने के बावजूद उसको आम जनता, आम लोग, विपक्ष भी कहते हैं कि ही इज बेस्ट। तो हम समझते हैं कि तेजस्वी भी वैसा प्रूफ करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी तो अभी 26 साल से उम्र शुरू हुई है। अब लालू यादव की तो ये इनिंग खत्म होने वाली है, अब उम्र जितनी भी हो गई है, दूसरे और भी सब चीजें हैं, तो वो जितना जल्दी फादर से अपनी सत्ता, चूंकि एक बार जो हमारे भाई ने कहा है बहुत सही कहा है कि उनको तो अभी चैलेंज उनके घर ही में होगा, तो वो उस चैलेंज में घर को साथ लेते हुए अपनी ऐसी छवि बनाना उनको होगा कि घर के दूसरे लोग उनसे पीछे हो जाए। एक सवाल जो मेरा था दूसरा हिस्सा, कि जो ये कहावत कही जाती है कि बरगद के नीचे बहुत पौधे जो है पनप नहीं पाते हैं, नीतीश कुमार के अंडर क्या पनप पाएंगे, या नीतीश कुमार चाहेंगे कि तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता बने कि वो कल के लिए उन्हीं को चैलेंज करते हुए दिखाई दें? देखिए, दो पार्टी है, कोई नीतीश कुमार की पार्टी का वो हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात जी। हाँ, नीतीश कुमार अलग पार्टी है और लालू यादव अलग पार्टी है, तो लालू यादव की पार्टी ने कहा किसी और बरगद को आगे बढ़ने दिया, अपने बेटे को साथ रख सामने रख दिया। उसी तरह नीतीश कुमार के यहाँ देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेगा जो चैलेंज होगा। अब चैलेंज ये है कि ये दोनों पार्टी नंबर्स ऐसे जनता ने दिए हैं कि इन दोनों को मिलकर रहना ही पड़ेगा। ये दोनों और कांग्रेस मिलके भी सरकार नहीं बना सकते, इंडिपेंडेंट मिला के भी नहीं, तो इन दोनों को मिलके रहना है। तो इन दोनों को अगर मिल के रहना है तो उसमें तो दोनों पार्टी की लीडरशिप अपनी अपनी पार्टी में डेवलप करे, जनता में डेवलप करे, इन दोनों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। पुष्पा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप उसके बाद में? ये जो बरगद वाली बात कही है, मैं इसमें कहूंगा कि देखिए, बरगद की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में तो बड़े सारे बरगद थे, और इतने बरगद थे क्या कहते हैं कि लगता था कि पार्लियामेंट में यही लोग पिछले आजादी से लगातार जा रहे थे। अडवाणी जी लगातार जा रहे थे, जोशी जी लगातार जा रहे थे, ये लोग लंबे समय से जा रहे थे। उसके लिए तो बरगद काटना भी पड़ा। नहीं काटा नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, उससे ज्यादा बड़ा प्रूफ करना पड़ा। अगर अडवाणी जी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पार्टी को एक फूल दो माली से उठा करके 182 पे पहुंचाया था, तो नरेंद्र मोदी को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पार्टी सिंगल हैंडेड वहां तक पहुंचाई है। उसमें विरोध हो, अंदर विरोध हो, आइडियोलॉजी, वो एक अलग इशू है। नरेंद्र मोदी तो विधायक नहीं बने थे जब सीएम बनने गए थे, पहला विधायक बने और सीएम बन गए, पहली बार सांसद बने, पीएम बन गए। तो आपको खुद प्रूफ करना होता है। तीन मंत्रालय बाद में बने वो, वही मतलब मैं सेंस में कह रहा हूं कि पहले से कोई उनका बैकग्राउंड नहीं था। अब जो बात आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम, मुझे लगता है तेज प्रताप को जो डिप्टी सीएम की पोस्ट से, तो तेजस्वी को, उनको डिप्टी सीएम के पद से तो कोई काम नहीं करना है ना, कोई उसका ऑफिस हो, कोई उसका प्रोटोकॉल हो, लेकिन जो उनके पास कम से कम दो बड़े जो मंत्रालय हैं उसमें एक पथ निर्माण है और दूसरा भवन निर्माण है। ये दोनों वो मंत्रालय हैं जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और कमाई होती है, रिश्वतखोरी होती है, और ये सब जगह होती है। ये दोनों ऐसे मंत्रालय हैं बिहार के अंदर, अगर इन दो मंत्रालयों में इनके रहते हुए अगर एक भी दाग नहीं लगा तो यह समझ लीजिए उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। सड़कें अपनी जगह बनेंगी, निर्माण अपनी जगह होगा। ये वो जगह होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ठेके दिए जाते हैं, और ठेकों में माफियाओं का रोल होता है, तो माफियाओं को कैसे अलग रखते हैं और काम कैसे होता है, यही मैं कह रहा हूं उनके लिए प्रूफ करना है, इससे ज्यादा उनको प्रूफ नहीं करना भी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अंशा से भी पूछेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं नेतृत्व को तेजस्वी के, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
39। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बिहार में अब चूंकि आज पहला दिन था, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और ब्रेक के पहले हम बात चूंकि तेजस्वी की कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और जरा आनंद साहू जी से पूछते हैं। साहू साहब, आप कैसे देख रहे हैं एक युवा व्यक्ति जो है उप मुख्यमंत्री बना है बिहार के अंदर, कैसे देख रहे हैं? वो सुशील मोदी को एक तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस कदम को? बिल्कुल जी, मैं देख रहा हूँ कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उस युवा को मिला, चाहे वो लालू यादव जी के सुपुत्र के रूप में ही सही, लेकिन जो क्रिकेट में उनको जो मुकाम नहीं मिला उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा, एक जो आप कह सकते हैं कि जो बिना अनुभव का उनको सीधा इंटरनेशनल गेम एक तरह से खेलने को मिल गया है। अब यहाँ ये मुझे लगता है अगर लालू यादव थोड़ा सा भी उनको आत्मविश्वास और बढ़ा, आपको लगता है देना तेजस्वी नहीं देना चाहिए था? तेजस्वी को मिल गया है अच्छा मौका। मैं कह रहा हूँ अगर लालू यादव जी को जिस दिन उनको विश्वास हो जाएगा कि ये इंटरनेशनल अच्छा खेल सकता है, उसी दिन नीतीश जी का खेल खराब करना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि क्योंकि देखिए इसका कारण है, अभी कांग्रेस का 27 सीट है, ऐसे ऐसे और में क्या सुनिए, लालू यादव जी का अभी देखिए और कांग्रेस का जोड़ के लगभग लगभग 100 सीट हो जाता है, 100 से 110 और फिर निर्दलीय हैं और कुछ पासवान और माझी और कुछ और हैं, उनको अगर तोड़ दिया इन लोगों ने तो कुल मिला के बहुमत के आंकड़े को ये बिना नीतीश कुमार जी के, आपकी पार्टी, आपकी पार्टी आरजेडी का मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी अब्सटेन करके? मेरा सवाल ये, देखिए आप ये तो मत कहिए कि वो मुख्यमंत्री को स्वीकार करना नहीं करना, निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा जब आप लोकतांत्रिक तरीके से गए हैं क्या आपके लिए, या फिर आप क्या करें? एक बार पूरा आप सवाल करिए, आरजेडी या जेडीयू बड़ी चुनौती कौन है आपके लिए? देखिए हमारे लिए टकराव की हो, हमारे लिए इसकी सरकार देखना चाहिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। और क्यों, इसका कारण बता रहा हूँ, जैसे ही ये लोगों को बहुमत मिला, लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन हुआ, उसी से पहले जिस समय चुनाव हुआ उसके ठीक पहले से ही हम ये कह रहे थे कि अब ये जो है चुनाव का गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, और ये चुनाव के बाद सरकार में जब आएंगे और पावर का जब शेयरिंग शुरू होगा, पावर गेम जब शुरू होगा, तो आप देखते हैं कि एक ही सरकार के अंदर में भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो, कितना पावर के अंदर में एक कसमकस रहती है और बहुत ज्यादा उसमें जो है खींचतान शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर। और वहां तो लालू यादव और इनका बेमेल गठबंधन शुरू से है, और ये सगाई कितने दिन तक चलेगी, जिसका पुराना शादी विवाह था नीतीश जी और बीजेपी का वो नहीं चल पाया, तो यहाँ पर लालू जी का तो एक अपना दबंगई शुरू से रहा है। और जो बड़ा भाई है छोटे भाई को कब तक देख पाएगा राजा के रूप में, वो आप समझ सकते हैं। कुछ पहले कुछ कहना चाह रहे आनंद भाई, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये शादी तो ठीक है जिसकी थी, बारात में भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन इस बारात में बहुत क्लोज रिश्तेदारों को बुलाया गया, बहुत दूर के रिश्तेदारों को बुलाया गया, लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार भी पहुंचे जो आपके घर से निकल के वहां चले गए हैं, और वो दोनों नाराज हैं, एक अकाली दल है और एक शिवसेना है, उनकी नाराजगी सार्वजनिक भी है, और शिवसेना ने बिहार में कम से कम 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वहां हारी है, जितने वोट से बीजेपी हारी है उतने वोट शिवसेना को मिले। मेरा कहना यह है कि इस गठबंधन में जहां सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ, आपके दो पार्टनर जिनकी सबसे ज्यादा तादाद नंबर 2 MP हैं शिवसेना के लोकसभा के अंदर, इन दोनों का वहां जाना क्या संकेत देता है? देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा आपको पुष्पेंद्र जी, जी 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 प्लीज, लोकतंत्र में जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी दूसरे मुख्यमंत्री को बुलाते हैं तो अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए, भेजते भी हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी नहीं भी गए लेकिन उनके फोन आए, बातचीत हुई आपस में, एक नहीं तो लोकतंत्र में आप ये नहीं कह सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का अगर शेड्यूल हो सकता है उतना बिजी नहीं होते, मलेशिया जाने का दौरा था उनका तो शायद प्रधानमंत्री जी भी जाते। देखिए अब दूसरे दौर को आप अगर शुरू में, अभी तो ये शुरुआत है, अगर मुख्यमंत्रियों का बैठक बुलाएंगे प्रधानमंत्री जी तो क्या नीतीश जी नहीं आएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं, ये कहा ये दोनों अलाई आपके नाराज हैं, और रिप्रेजेंटेशन की बात है तो शिवराज सिंह के यहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, वसुंधरा के यहां से नहीं आया, और छत्तीसगढ़ से कोई नहीं आया। मैं कह रहा हूं ये दोनों अलायंस आपको सार्वजनिक तौर पर एम्बेरस करते रहे हैं, और आपके गठबंधन से निकल के उन्होंने बिहार में अलग चुनाव लड़ा, ये जो इसकी इस राजनीति को किस तरह देख रहे हैं? देखिए मुझे जो लगता है अगर
ये जो गठबंधन है उससे अगर हमें नुकसान हुआ है तो निश्चित रूप से उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर यही अगर शिवसेना बीजेपी के साथ होकर चुनाव लड़ती तो शायद कांग्रेस और एनसीपी को जो तो ये बड़ा बड़ा संकट है महाराष्ट्र में मिली थी मिली है वो उससे ज्यादा मिलती है। और अभी ये इतना ये जो कांग्रेस और एनसीपी को कोई सीट ही नहीं मिलती। इसलिए मैंने ये सवाल आनंद भाई इसलिए मेरा ये कहना है मैं समझ गया आपकी बात। अभी आप एक चीज खाली मुझे पूरा करने दीजिए। जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस खुश हो रही है यहाँ देखिए विपुल जी कांग्रेस जिस प्रकार से उत्साहित है और आरजेडी और कांग्रेस लगातार नीतीश जी को कोसते रहे हैं जब वो सरकार में बीजेपी के साथ थे। अब ये दोनों उछल रहे हैं लेकिन इनको फायदा किस लिए हुआ? नीतीश जी इनके साथ आ गए बीजेपी के साथ नहीं। और नीतीश जी का नुकसान हुआ बीजेपी का तो नुकसान हुआ ही लेकिन नीतीश का कोई फायदा नहीं हुआ है। और नीतीश जी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि आने वाला समय में अगर ये मामला अगर बढ़ा तो नीतीश जी जो गठबंधन के साथ हैं उनको छोड़ने में भी कितना देर लगता है। आनंद भाई आप मेरी बात को नहीं समझे। मैंने कह रहा हूं इसी घटना का जो है प्रतिक्रियाकरण जो है वो पंजाब में हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी आप में चली गई है। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि अकाली का शिवसेना का जाने का मतलब है कि उस राज्य में चुनाव है आपके साथ जो तलकी है उनका यहां आना जो है वो आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। मैंने इस संदर्भ में कहा था। चले दूसरे विषय पर आते हैं जो कि समय बहुत कम बचा हुआ है। इस विषय को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके की सरकार चलती है क्या किसकी भूमिका होती है। उम्मीद करते हैं कि नई सरकार नई जिम्मेदारियों के साथ नए उत्साह के साथ काम करे। लेकिन दूसरे मुद्दे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद हम उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दो राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनके बिना दिल्ली का रास्ता होकर के जाता नहीं है। इन सब के बीच में जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुए कवायद होने लगी कि क्या होगा 2017 में। इस तरह की भी अटकलें आई कांग्रेस और बीएसपी साथ जा सकते हैं। लेकिन आज जिस बारे में बयान आया है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ेगी और जिस तरीके से आपको बता दें जो कर्ता धरता बिहार चुनाव के एक तरीके से मास्टर माइंड रहे जिन्होंने विज्ञापन से लेकर तमाम जिम्मेदारी संभाली थी वो जो है अब कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हो रही है। इसके बारे में भी उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा है लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि वो वाकई में जो है विज्ञापन की कमान संभालेंगे या नहीं। तो क्या कांग्रेस अकेले उतरी या अगर अकेले उतरती है तो इसमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा क्या स्थिति होगी? पुष्पेन जी पहला सवाल आपसे, अगर कांग्रेस अकेले उतरती है अगर अभी हालांकि बहुत पानी बहना है 2017 दूर है लेकिन फिर भी क्या स्थिति देख रहे हैं क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए फौरी तौर पे तो देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश का ये बयान आया था कि महागठबंधन उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है और आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और वहाँ कोई किसी गठबंधन में वो नहीं है। वो अपने बल पे जीते हैं और उस कैंपेन में जो रोल रहा है अखिलेश का उससे वो स्थापित भी हुए हैं। 225 सीटें करीब करीब उनके पास हैं। लेकिन अखिलेश ने जब ये बयान दिया तो उसके राजनीतिक मतलब ये भी लगते हैं कि क्या अखिलेश को अपने 5 साल के कार्यकाल के समाप्त होते होते ये अविश्वास पैदा होने लगा है कि जो भी कुछ उनके दौर में हुआ है भले ही मीडिया में किस तरह से आया या नहीं आया उनके अपने पैर उखड़ रहे हैं। एक चीज मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने बयान दिया था उस समय महागठबंधन था अब उसके बाद जिस तरीके से गठबंधन टूटा उसके अभी की जो स्थिति है उसमें इस मौजूदा परिस्थिति में वो भी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ये तो जब अभी चुनाव में नतीजे आने के बाद उन्होंने बात कहा कि ये हो सकता है एक बात तो एक तो उसका राजनीतिक मतलब ये है। दूसरी बात मुझे याद है कि राहुल गांधी जब पिछली बार चुनाव गए थे बिहार वहां उत्तर प्रदेश में तो कोई उन्होंने 200-250 सभाएं की थी और वो लगातार एक बात कहते रहे थे। मैं शायद रिमाइंड कराऊं उसको वो ये कह रहे थे कि सत्ता में आना हमारा बड़ा मकसद नहीं है हम संगठन को पहले खड़ा करना चाहते हैं और संगठन जिस तरीके से लंबे लंबे समय तक जहां से वो बाहर रहे हैं वहां संगठन को लेकर के चिंता होती रही है। बिहार में भी 25 साल से बाहर रहे यहां पर भी एक लंबे समय से बाहर रहे हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज कांग्रेस केंद्र में भी नहीं है और आज कांग्रेस के ये जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उनका गढ़ माना जाता था वहां पे भी नहीं है और सिवाय सोनिया और राहुल के अलावा कोई तीसरी लोकसभा सीट भी नहीं है। 80 में से उनके पास 5 सीटें जो हैं वो मुलायम सिंह के परिवार के पास है और 2 कांग्रेस के पास है और बाकी सारी एनडीए के पास है। ऐसे में उनके एक आधिकारिक प्रवक्ता का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी अकेले जाएगी इसके कई मतलब हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप मुर्दे को दफनाने के लिए शमशान भी ले जा रहे होंगे ना
तो वहां तक जाते जाते पता नहीं चलेगा कि ये इसको दफनाएंगे या जलाएंगे, लास्ट में क्या होगा ये पता ही नहीं चलता है उनके यहां, लिहाजा वो लास्ट तक बयान देते हैं। अभी आपको ही होगा कि बिहार में जब सरकार बनने की तैयारियां चल रही थी तो एक बयान कांग्रेस की तरफ से आया कि हम 19 तारीख को तय करेंगे कि सरकार में शामिल हो ना हो। तो सवाल यह है कि अभी एक साल भर का समय है, इस तरीके की कई सारी चीजें होंगी, जो गठबंधन बनने की बात होगी उसमें बड़ी भूमिका की बार्गेनिंग अभी से शुरू हो सकती है। कुल उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेसियों के बीच में झगड़े हैं, अध्यक्ष को लेकर बहुत सारे झगड़े हैं, संगठन जो है एक तरीके से जंक लग चुका है, उसको गल्वनाइज करने की कोशिश है कि भाई अकेले कहेंगे तो हर आदमी को लगेगा कि हमें भी टिकट मिलेगा, हमें भी टिकट मिलेगा, तो लोग गल्वनाइज हो सकते हैं। तो ये तमाम सारी कसरतें हैं, लेकिन अभी मैं मानता हूं इट्स प्री मेच्योर कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी, ये बहुत दूर की बात। चलिए ठीक है, शकील साहब आपसे जाना चाहेंगे, ये जो फैसले की बात आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि तमाम जो है दिग्गज लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में फैसला लिया, पुनिया साहब थे, मिस्त्री जी थे, और इन तमाम लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि वो अकेले जाएंगे। वो आगे क्या होगा बात सही है, लेकिन अगर अकेले जाती है कांग्रेस पार्टी, सवाल हम ये कर रहे हैं आगे क्या होगा नहीं पता, तो इसमें किसको ज्यादा फायदा किसको नुकसान आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का किसने फैसला लिया है। देखिए बिहार में भी पूरा दो धरा था जो अलायंस करने और नहीं करने के बीच में लगा हुआ था। खुद राहुल गांधी भी बिहार में चाहते थे कि अलायंस में नहीं पार्टी खड़ी हो। आखिर फैसला अंतिम हुआ तो अभी ये हाई कमांड का कोई फैसला तो होगा नहीं, लेकिन स्टेट लेवल पर अपने अपने ख्यालात हैं, दो ग्रुप बनते हैं कि पार्टी कैसे मजबूत हो, किसी का ये राय होता है कभी है। लेकिन प्रैक्टिकल अब आप आ जाइए, महाराष्ट्र में हम गठबंधन टूटा, हम हार गए, हमारा गठबंधन झारखंड में टूटा और गठबंधन तो हम हार गए वहां। बिहार में हम गठबंधन नहीं कर रहे थे, हम का मतलब कांग्रेस से आपका, हम हाँ कांग्रेस से कह रहे हैं जी 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 हाँ ठीक। तो कोई बात नहीं, पुरानी चीजें धीरे धीरे जाती है, कोई बात नहीं। तो कांग्रेस से वो गठबंधन में जब बिहार में गई तो आप देखिए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट, इतने ही नहीं उम्मीद से भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अब फौरन उत्तर प्रदेश के लिए हम फैसला, कांग्रेस फैसला ये ले ले कि हम नहीं करेंगे, ये अभी बहुत ही अर्ली है। हम समझते हैं कि गठबंधन अब रहा प्रैक्टिकल अप्रोच, बिहार में प्रैक्टिकल अप्रोच जितना आसान तरीके से बन गया था एटमोसफेयर और माहौल के मुताबिक, वो उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं दिख रहा है। चूंकि मायावती जी उनका है कि हम अकेले ही जाएंगे, मुलायम सिंह जी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की पार्टी है, अभी टकराव कांग्रेस से और मुलायम से ज्यादा हो रहा है। अभी देखिए वहां एलायंस अभी ओथ में जाने था और जाने के पहले आखिरी वक्त में उनको पेट में दर्द हो गया और कैंसिल हो गया। इससे पहले पूरा कवायद उन्होंने तय किया कि एक जनता परिवार का गठन फिर से हो और आखिर वक्त में टिकट के नाम पर तोड़ लिया। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं ना कहीं पेच कहीं और है, कहीं ना कहीं लगाम कहीं से खींची जा रही है, ये सब चीजें हैं। तो वो सब ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल है कि पहले हम कह दें कि गठबंधन होगा या ये कह दें गठबंधन नहीं होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि गठबंधन होगा तो फायदा होगा, गठबंधन होगा तो कांग्रेस को फायदा होगा। आपसे जाना चाहेंगे यहाँ पर साहू साहब, अगर ये गठबंधन होता है तो क्या स्थिति होगी आपकी, दिल्ली बिहार के बाद उत्तर प्रदेश भी क्या मान के चलें कि फिर वहां भी साफ होंगे आप? बिल्कुल नहीं, देखिए हमारी गठबंधन जो है एक दो बार रही भी है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम बिना गठबंधन के भी सरकार में रहे हैं यूपी में, और यूपी हमारे लिए बिना गठबंधन के कभी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कल्याण सिंह के टाइम जब परिस्थितियां अलग तो परिस्थितियां थी, लेकिन हमारा है जी, आप बात, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे को ये लग रहा है विपुल जी कि कांग्रेस जो है अपना जनाधार खो चुकी है, और मुलायम सिंह यादव जी वो नीतीश कुमार जी से भी बड़े लीडर हैं। वो इसीलिए कि आप देखिए नीतीश कुमार वहां बिहार में 243 सीट है और यहाँ 400 से अधिक सीटें हैं और वहां पूर्ण बहुमत में है, और मुलायम सिंह यादव जी लगातार जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारी को कोई आवश्यकता नहीं है गठबंधन का, और मायावती जी का भी बयान आ गया कि हमें कोई गठबंधन नहीं चाहिए,
इसको देखते हुए कांग्रेस अपना लाज बचाने के लिए उनके जो लोकल नेता हैं जी 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 वो ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में शकील भाई के मुंह से पूरी सच्चाई निकल गई कि हमारा कुछ है नहीं, गठबंधन हो जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत बुरा हाल होगा, वो सारी बात वो अच्छी बात है, वो स्वीकार करते हैं सच्चाई में, लोकतंत्र में सच्चाई जो है उसकी अच्छी भूमिका होती है। और मैं अगर आप समझ रहे हैं कि ये सच्चाई नहीं है तो बिहार में आपकी पार्टी हारी ऐसा बताइए शकील जी। हाँ, हम ये चीज कहेंगे कि मैं हम लोगों की पार्टी जितने वोट लाई है वो विगत चुनाव में भी इतना ही वोट आई थी। ये सवाल ये है का रेशियो सवाल ये है कि हम यहाँ जीतेंगे इसलिए कि हमें जितना वोट मिला था अगर उतना भी वोट मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार हमारी। अरे आपके बिहार में वोट ज्यादा भी मिले तो आपकी हालत कितनी हो गया, बिहार तो अब निबल गया। इंटेलेक्चुअल आजकल डिबेट हो गया है कि वो परसेंटेज फला ठीक है, अरे जीत जीत होती है, हार हार हो गई है, सिर्फ याद कर रहे हैं मुझे, लेकिन कांग्रेस को बहुत कुछ हुआ नहीं है वहाँ मुझे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी, उसका एक और बड़ा कारण है कि मुलायम सिंह यादव हिडन एजेंडा भी होगा। देखिए हिडन वो कोई इशू है अभी इस टू बट जो विकास चाहिए वहाँ उत्तर प्रदेश में विकास तो छोड़ दिए सर, उतना है नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से मुझे मैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बात कहना चाह रहा हूं कि एक बड़ा डार्क हॉर्स है वहां जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है और जो बड़े लंबे समय से खामोश हैं, उनका नाम है अजीत सिंह। और मुझे लगता है जो हमारे पास अपनी सोर्सेज हैं कि चुनाव से पहले अजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और वही इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्रियों को लेकर के और अंदरूनी नेताओं को लेकर जितनी हालत बिहार में बीजेपी की खराब थी उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इनकी खराब है, क्योंकि तमाम वहां के धुरंधर जो हैं कुछ गवर्नर बन गए हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री बन गए, सेकेंड जनरेशन का कोई लीडर नहीं है, और चौधरी साहब के संबंध पुराने बीजेपी के साथ रहे, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, कोई बड़ी भूमिका नहीं वो नहीं मिलने वाली। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी आपका, शकील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आनंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं लंबा समय है 2017 तक क्या होता है क्या नहीं होता है, काफी कुछ बदलाव होंगे। फिलहाल के लिए घटना चक्र में इतना ही, नमस्कार।